सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। पिछले 45 साल से हिंदी सिनेमा पर राज करने वाले अमिताभ बच्चन ने कई बेहद यादगार फिल्मों में काम किया और फैंस का दिल जीता। तो चलिए जानते हैं उन्हीं फैंस से कि आखिर अमिताभ बच्चन को अब क्या विशेष देना चाहेंगे। बहुत खुशी की बात है, अमिताभ बच्चन हमारे इतने सालों से हमारे साथ में हैं और मैं तो चाहूँगा कि हमेशा उनका साया हमारे लोगों के सर पर बना रहे। और अमिताभ बच्चन मेरे बचपन से ही बहुत फेवरेट कलाकार रहे हैं। उनकी हर पिक्चर मैंने मोस्टली हर पिक्चर देखी हुई है। आई थिंक नो कि मैं मतलब कोई भी फिल्म उनकी छोड़ी हो। अमिताभ बच्चन जब भी स्क्रीन पर या पर्दे पर मैं उन्हें देखता हूँ तो कि एक अजीब सी अंदर से मेरे अंदर जो है सो फ्लिंगा हॉप एकदम स्ट्रॉन्ग मैं फील करता हूँ और चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन हमेशा हमारे साथ रहे। अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे है, सो उनको क्या विशेष देना चाहेंगे और क्या कुछ करना चाहेंगे उनको एज एक्टर एज अ पर्सनैलिटी यू नो बॉलीवुड के? सर अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी आप जानते ही हैं, हमारे शब्द अधूरे हो जाते हैं, अधूरे पड़ जाते हैं। उनका कद इतना बड़ा है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहे, वो लिविंग लीजेंड है, डाउन टू अर्थ आदमी है। मैं उन्हें दिल से कहना चाहता हूँ हैप्पी बर्थडे सर। अमिताभ बच्चन के लिए विश्व हैप्पी बर्थडे अमिताभ जी। सर आप और अच्छे से अपना काम निभाते रहें और हम लोगों को ऐसे विशेष देते रहें कि हम लोग भी आगे बढ़ते रहें। मैं तुमको उनके बर्थडे पे हार्दिक शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर और बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज उनका ये कि विजय नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं और विजयदशमी का शुभकामनाएं देता हूं। उनकी भगवान बहुत लंबी उम्र करे। कोई फिल्म जो वैसे तो उनकी सारी फिल्में अच्छी होती हैं, कोई एक खास फिल्म जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपने कई बार देखी हो, उसके बारे में कुछ बताएं। मैंने उनकी कई फिल्में हैं जो 50 से ज़्यादा बार देखी है, दीवार, शोले, अग्निपथ, काला पत्थर क्लासिक फिल्म, पता नहीं कैसे फ्लॉप हो गई लेकिन क्लासिक मूवी मेरे लिए, दीवार, अग्निपथ, ये क्या फिल्में हैं, खाकी, पिकू, पा, मतलब एक से बढ़कर एक फिल्म। उनकी फिल्म सारे काफ़ी अच्छे हैं और आने वाली अभी जो आई अब नेक्स्ट पिंक, वो तो काफ़ी अच्छे मूवी थे और उसके सारे मूवी मुझे पसंद है। शोले खासकर काफ़ी अच्छे लगे मुझे। दीवार कितनी बार देखी आप? मोस्टली 45 देख चुकी हूँ मैंने। तो कोई डायलॉग उस फिल्म का जो आपको याद हो आप बोलना चाहें? तुम लोग मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहे हो और मैं तुम लोगों का यहाँ। हाय, हमें तो उनकी फिल्म शोले बहुत अच्छी लगती है और दीवार अच्छी लगती है और एक कालिया फिल्म है वो भी फिल्म अच्छी बहुत लगती है। कोई डायलॉग बोलना चाहेंगे आप जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? मैं जहाँ से खड़ा हो जाता हूँ वहीं शुरू हो जाती है। बड़ा अच्छा लगता है उनको। आपको मौका मिले उनसे मिलने के लिए, उनसे अगर बुलाएं आपको बर्थडे मनाने के लिए, अगर आपको बुलाएं साथ में, सो कैसा रिएक्शन रहेगा, क्या कुछ लेके जाएंगे उनके लिए आप? मुझे तो सारे सबसे पहले काफ़ी खुशी होंगे कि मैं अमिताभ बच्चन जैसे के बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। उनका गाना एक डॉन पिक्चर है, उनके डॉन का बहुत अच्छा गाना हमें लगा, खाई के पान बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमिताभ बच्चन, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू अमिताभ सर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे अमिताभ सर, हैप्पी बर्थडे और मेरे एक दो साल आपको और लग जाए, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर अमिताभ बच्चन।